चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ किया है सातों सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नाराज होकर आ रही है। नहीं, पहले तो आपका सवाल ही गलत है कि दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि हम सातों सीटों पर लड़ेंगे। हमने ये नहीं कहा सातों सीटों पर लड़ेंगे, ये तो अब नासमझ है आम आदमी पार्टी, तो मैं क्या करूं, वो अगर भाषा नहीं समझती, हिंदी नहीं समझ में आती है तो क्या करूं मैं। हम लोगों ने ये कहा कि हम सातों सीटों पर तैयारी करेंगे, तो तैयारी तो हर पार्टी करेगी, फिर गठबंधन होता है नहीं होता उस हिसाब से तय करेंगे कौन किस सीट पर लड़ेगा। हमारी जो मीटिंग थी वो मुख्यतः कांग्रेस को सशक्त करने के लिए थी, और उसमें 2024 का चुनाव भी था, आगे की कांग्रेस भी थी, और ये हम लोग देखना चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस इस समय जिस हालत में है उससे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, दोबारा वोटरों को अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं, जिन इन पार्टियों में हमारा वोटर तब्दील होके गया है उनसे कैसे उन्हें वापस ला सकते हैं, और पार्टियों के जो वोटर हैं उनमें हम किस तरीके से एक प्रभाव डाल सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। और उस चर्चा में कोलिशन होगा कि नहीं होगा इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। वो हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप अमूमन तय करती है, स्वाभाविक है कि राज्य के लोगों से बात करेगी, लेकिन वो जब समय आएगा तब तय होगा। अभी तो एक इंडिया अलायंस बना है, उसमें कुछ दल आए हैं, लेकिन जब बातचीत होगी वो राज्यवार होगी कि भाई मध्य प्रदेश में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, उसी तरह दिल्ली में क्या होगा। और जिसको भी अगर हमारी सेंट्रल लीडरशिप समझती है कि इनके साथ हमें गठबंधन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी सीटों पे करना चाहिए, और कितनी सीटों पे करना चाहिए तो किन सीटों पे करना चाहिए, वो तब तय होगा। अभी तो उस पर कोई ना चर्चा हुई है ना कोई उस पर ज्यादा बातचीत हुई है, मतलब कोई निर्णय हुआ है। वही अलायंस की बात करें, अगली बैठक मुंबई में होने वाली है, आम आदमी पार्टी कह रही है अगर ऐसी बात है तो अगली बैठक में शामिल होना उनकी तरफ से कोई मतलब ही नहीं है। अब वो शामिल हो ना हो, मैं तो बार बार कहता हूँ ना कि वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ तो है नहीं। 6-7 सीटें दिल्ली में हैं जहाँ वो प्रभाव रखते हैं, 542 सीटों पे वो 1% सीटों पे प्रभाव रखते हैं। अब वो आए या ना आए वो जाने। ऐसे भी हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि जब एक बार ये वोट हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, फिर आम आदमी पार्टी रास्ता ढूंढेगी भागने का। और इनको अमित शाह जी ने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में कहा था कि इसके बाद आम आदमी पार्टी हट जाएगी अलायंस से। तो हो सकता है केजरीवाल उनकी सुन रहे हो, अक्सर उन्हीं से तो डायरेक्शन मिलता है उनको। तो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि तो बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो खुद ही सिद्ध कर दिया केजरीवाल ने जी। वही क्या लगता है सर, क्योंकि अलायंस में है, एक बड़ा गठबंधन हुआ है इंडिया, और अगर दिल्ली की बात आएगी तो कैसे आपका स्टैंड रहेगा आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए हमारा स्टैंड ये है कि ये इस पार्टी के साथ हम विश्वास नहीं रख सकते। इसकी जो राजनीति है वो बहुत गलत और बहुत घटिया है, और उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें शिष्टाचार कहीं नहीं है, उसमें झूठ बोलने की आदत है, उसमें राष्ट्रवाद को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की आदत है, उसमें आर्थिक नीतियों में कहीं विकास और कहीं उद्धार देश का नहीं दिखता, सिर्फ मुफ्तखोरी की राजनीति है, उसमें चोरी चकारी भरी हुई है, उसमें लोगों के साथ गलत अनर्गल बयानों की बात है, हमेशा झूठ बोलने की तैयारी। तो जो राजनीति जिसका प्रतिनिधित्व केजरीवाल करते हैं वो राजनीति अपने में ऐसी है कि जिसके साथ कोई साथ नहीं देना चाहिए।